मुस्लिम समाज की सरपंच महिला ने करवाए अखंड रामायण का पाठ। पिछोर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नंदना में ये तमन्ना खान ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अखंड रामायण का पाठ कराया। वह भंडारा में हिंदू मुस्लिम सभी समाज वर्ग के लगभग 8,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विधायक केपी सिंह कगाजू भी मौजूद रहे। पिछोर से संवाददाता दीपक निगौती की रिपोर्ट। आपका नाम? तमन्ना खान जी। तमन्ना जी, आप कौन से गांव, कौन का नाम क्या है? ग्राम नरना पिपरनिया पंचायत से सरपंच हूँ मैं अभी जी। तो यहाँ अभी जो आपने आज यहाँ एक अखंड रामायण का पाठ करवाया था, तो इसमें लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी अखंड रामायण के पाठ में इससे कि सब तो ऐसे भाईचारा बना रहे हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, और क्या भाईचारा बनी रहे, दूसरे के प्रति भेदभाव ना हो, जाति पात का कोई वो नहीं हो, किसी का धर्म हो उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो अभी तक कितने लोगों ने यहाँ हिंदू मुस्लिम लोगों ने कितने लोगों ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया? 8-10 हज़ार लोगों का। उसमें सब ऐसा नहीं, उसमें सभी धर्मों, सभी धर्म को मानने वाले सभी लोग आ रहे हैं। मुस्लिम वर्ग भी आ रहा है और हिंदू भाई भी आ रहे हैं, सभी खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आप और भी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और समाज को सम्मान करें, एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे का धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे से मिलकर रहे, आपस में भाईचारा बना के रखें, और क्या कि इसमें कोई किसी का भेदभाव ना रखे, कोई जाति पात कोई धर्म का किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका सद्भाव एक होना चाहिए, और किसी का धर्म उसका, मैं तो यही बोलती हूँ, किसी का धर्म उसका सम्मान करना चाहिए। और हिंदुस्तानी है जी, तो अपने आप से ही वो हुई है कि ऐसा करने से सब कुछ अच्छा रहता है, और ऐसे कोई भेदभाव हो ना, तो उसमें सब लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम सब लोग भाईचारा बनाए, एक सद्भाव बनाए, और उसमें कोई, मैं तो ये चाहती हूँ किसी का धर्म किसी का भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात। अभी तक अंदाज कितने लोगों का भंडारा हो चुका होगा? 7-8 हज़ार लोगों का खाना हो गया।